हाय गाइस, आज हम असम के मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल का टूर करेंगे। और ये है कॉलेज गेट। कॉलेज का गेट बंद है तो साइड से एंटर करना पड़ेगा। और ये है कॉलेज का फ्रंट साइड का व्यू। अब हम कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं और आपको पूरा कॉलेज दिखाते हैं। कॉलेज में एंटर करने के बाद राइट साइड में जो रूम दिखाई देगा वो प्रिंसिपल सर का रूम है, और लेफ्ट साइड में जो रूम दिखाई देगा वो है विजिटर्स रूम। अगर आप और आपके पेरेंट्स कोई काम के सिलसिले में कॉलेज आते हैं तो वह बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कॉलेज का ऑफिस। और ये है गार्डन का गेट। और अगर आप सीधा जाओगे तो आपको ऑडिटोरियम दिखाई देगा जहां बीएमएस का काउंसलिंग होता है। और ये है ऑडिटोरियम का डोर। और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज का ऑडिटोरियम बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। अभी हम सेकंड फ्लोर में हैं और अगर आप कॉलेज के बैक साइड से ऊपर जाओगे तो आपको फास्ट द्रव्यगुणा का डिपार्टमेंट दिखाई देगा। ये है द्रव्यगुणा का डिपार्टमेंट जिसको मॉडर्न टर्म में फार्माकोलॉजी बोलते हैं। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का जो क्लासेस है वो सेकंड फ्लोर में ही है। ये है बीएमएस फास्ट प्रूफ का क्लासरूम। और नेक्स्ट है बीएमएस सेकंड प्रूफ का क्लासरूम। और क्लासरूम के इनसाइड आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट है बीएमएस थर्ड ईयर का क्लासरूम। और नेक्स्ट है बीएमएस फाइनल प्रूफ का क्लासरूम। नेक्स्ट है शालिक तंत्र का डिपार्टमेंट जिसको मॉडर्न में ईएनटी भी बोला जाता है। बाद अगर आप राइट टर्न लोगे तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका डिपार्टमेंट्स दिखाई देगा। ये है क्रिया शरीर का डिपार्टमेंट जिसको मॉडर्न में हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। ये कोमर वृत्त का डिपार्टमेंट है। और एंड में रोगानिदान, दैट इज पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट मिलेगा। और अभी हम थर्ड फ्लोर में हैं और यह पीजी का क्लासेस है और संहिता डिपार्टमेंट है। और ये कॉलेज का साइड व्यू है, नीचे जाकर तो दिखाएंगे लेकिन अभी ऊपर से देख लेते हैं। और आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, वह कैंटीन होगा। अभी हम फिर से फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं और ये है शल्य तंत्र का डिपार्टमेंट। शल्य मीन्स सर्जरी। और ये है काय चिकित्सा का डिपार्टमेंट, दैट इज जनरल मेडिसिन।
और ये है पंचकर्मा का डिपार्टमेंट। ये हमारा कॉलेज का लेबोरेटरी है जहाँ बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एटसेट्रा। बहुत सारा स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं कि भाई बीएमएस में डाइसेक्शन है क्या। देखो ये है डाइसेक्शन हॉल और बीएमएस में डाइसेक्शन होता है। और ये है कॉलेज बस और ये कॉलेज का फ्रंट साइड है। ये कॉलेज का साइड व्यू है, अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ। अब ये कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने वाला है क्योंकि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है पंचकर्मा डिपार्टमेंट के लिए। और ये है कॉलेज का फार्मेसी और यहाँ बहुत सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता है। और ये है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। और लेफ्ट साइड में जो रोड दिखाई दे रहा है, अगर आप जाओगे तो आपको हॉस्टल नंबर 1 मिलेगा और हॉस्टल नंबर 1 आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। कॉलेज के ऑपोजिट आपको एक रोड दिखाई देगा, अगर आप उस रोड में जाओगे तो आपको कॉलेज का लाइब्रेरी दिखाई देगा। और ये है रीडिंग रूम और ये रात 10 बजे तक खुला रहता है। और ये है लाइब्रेरी। और ये है कॉलेज का जिम सेंटर। और ये है गेस्ट हाउस, अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हो और आपका घर दूर है तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो। बहुत अच्छा रूम है, टीवी भी है, एसी भी है, आप रह सकते हो। यह है रचना शरीर, दैट इज एनाटॉमी का डिपार्टमेंट। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल नंबर 3, दैट इज चरक हॉस्टल। और यह है पीजी बॉयज हॉस्टल। और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल नंबर 1, दैट इज डॉक्टर जेसीबी बॉयज हॉस्टल। इन तीनों हॉस्टल्स के अलावा और दो गर्ल्स हॉस्टल है, one for UG and another for PG।